लेकिन रिलक्टेंट हैं, कंट्रोलेबल रिस्क हैं, बैंक्स एक्सिस HDFC बैंक ये स्वीट स्पॉट में अब लग रहा है बढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए मैं चार के चौके का टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें, उस बीच फिर कॉर्पोरेट स्कैन की बारी। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत साहब रेडी रखेंगे। इस प्रशांत सर थोड़ी देर में 5-7 मिनट बाद बढ़िया सा एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड FNO सुपरस्टार के लिए अमित सेठ साहब के पास जाऊंगा। अमित जी जुड़ गए क्या? नहीं जुड़े हो तो पीछे से बता दीजिएगा, उनको तैयारी करनी है FNO सुपरस्टार की। चार्ट का चमत्कार मानस आपके पास आऊंगा एक बढ़िया सा, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी पैनल में है। अब आगे के वो इश्यू सॉर्ट आउट हुए क्या? जैसे होंगे उन्हें भी प्लीज बताइएगा, उनका एक मिड कैप फंडा आइडिया लेना है। तो ये कुछ देर बाद पिक्स का एक और तड़का लेकर आएंगे हम आपके लिए। इस बीच दिखाइए स्क्रीन पे रेलिगर एंटरप्राइजेस का स्टॉक। दरअसल रेलिगर एंटरप्राइजेस की जो होली ओन सब्सिडरी है रेलिगर फिनवेस्ट, उसने अपना वन टाइम सेटलमेंट जो था 16 लेंडर्स के साथ वो कंप्लीट कर लिया है। फुल और फाइनल पेमेंट 400 करोड़ रुपए का कर दिया गया है और समय से पहले भुगतान कर दिया गया है। मेरे ख्याल से 1 महीने का समय बचा हुआ और 8 मार्च को ये पूरा पेमेंट डोल आउट कर दिया गया है। क्या चल रहा है, क्या अब करना है, रिक्वेस्ट करी थी रेगर एंटरप्राइजेस की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सलूजा से जुड़ने के लिए, और डॉक्टर रश्मि अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। रश्मि मैम हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। अब इस सेटलमेंट के साथ क्या वो सारा बैग एंड बैगेज, वो लीगसी इश्यूज अब सब हमारे पीछे हैं मैम, ऐसे मान लिया जाए? एब्सोल्युटली, सारा बैग एंड बैगेज, सारे लेगेसी इश्यूज एंड सेटलमेंट के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रेलिगेयर फिनवेस्ट जितना भी पुराना लेगेसी इश्यूज थे वो सब खत्म हो गया है एंड नाउ इट इज अ न्यू कंपनी, इट इज रेडी टू डू बिजनेस। मोमेंट कैप रिमूवल हो जाएगा विच हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर हमारा कैप रिमूवल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बिजनेस रेडी हैं और देर इज नो हैंगओवर। हम लोगों को जितना भी हमारा डेट था फुली पेड अप हो गया। 2018 में, मेरे ख्याल से 2018 की जनवरी थी जब नए मैनेजमेंट ने कामकाज संभाला था, तब से लेकर रश्मि मैम अब तक कितना भुगतान करा गया और ये फंड्स कैसे रेज करे आप लोगों ने? 9,000 करोड़ जो है कंपनी ने पिछले 3.5 साल में पे किया, उसमें मैक्सिमम 3 साल कोविड का भी था, वो बहुत मुश्किल समय था, बट पूरी रेलिगेयर फिनवेस्ट की जो टीम थी स्पेशली कलेक्शन और रिकवरी की, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और पूरा पे अप किया। लास्ट 2,300 करोड़, 23,800 जो बचा था हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडर्स का पे करना, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर दिया है, जिसके कारण हमारा कंप्लीट सेटलमेंट हो गया है। अब हम हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट आते ही हम लोग कैप रिमूवल के लिए वी विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट एंड 1 महीने का प्रोसेस हमको ऐसा लगता है कि होगा और इसमें जैसे ये कंप्लीट होता है, ये इनफैक्ट अपने आप में एक बहुत ही उदाहरण देने वाला है। इस तरीके का सेटलमेंट बहुत ही रेयर है और हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग से शुरू किया था, जो June 7 सर्कुलर था RBI का, उसके हिसाब से हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग से शुरू किया था, बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि हमारे जो उस वक्त के जो पार्टनर थे जिनके साथ हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग शुरू किया था, द TCG, उनको फिट एंड प्रॉपर नहीं मिला। उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन टाइम सेटलमेंट, और वन टाइम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत फायदे का था क्योंकि इससे हमारी कंपनी जो 100% सब्सिडरी है REL की, हमारे साथ रहती है। इससे इसके कारण हम लोग जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में करना चाह रहे हैं, जो हमारा मोटो है कि 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्रिएट करने का, उससे हम लोग अगले 2 साल तक ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैप रिमूवल मतलब कि ये रेलिगेयर फिनवेस्ट अपनी SME फाइनेंसिंग का कारोबार शुरू कर सकता है? एब्सोल्युटली, हम लोग MSME फाइनेंसिंग का काम हम तुरंत कैप रिमूवल के बाद शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 3 साल से तैयारी करी है, मार्केट को समझा है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहकर के किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, हम लोगों ने पूरी टीम रोबस्ट करी है। हम लोगों ने जो हम लोग निश एरिया जिसमें हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं,
कोलेंडिंग स्पेस में काम करना चाह रहे हैं, सबके लिए भी हम लोगों ने जो मार्केट से बेस्ट टीम को लिया है वो इस चीज को अगले कुछ महीनों में दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। किस तरह की बैलेंस शीट के साथ शुरुआत, क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस समय है? बीच में खबरें ऐसी थी कि आप लोग फर्दर फंड रेस करना चाहते हो, QIP के जरिए पैसे जुटाने का मन बना रहे हो, ऐसे कुछ प्लान्स अब अनवेल होते हुए नजर आएंगे? एब्सोल्युटली, बट पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 9000 करोड़ जो हम लोगों ने बैंक को दिया और जो हम लोगों ने OTS में जो पैसा दिया है वो कंपनी ने पूरी तरीके से अपनी कलेक्शन और रिकवरी से दिया। ओनली 220 करोड़ जो REL ने RFL को पैसा दिया, उसके अलावा पूरा का पूरा OTS सेटलमेंट हमारा कंपनी की रिकवरी से ही गया है। सो दैट इज अ वेरी बिग क्रेडिट गोइंग टू द मैनेजमेंट ऑफ RFL एंड टीम ऑफ RFL जो उन्होंने किया है। अब आगे करने के लिए भी हमारी रिकवरी का जो प्लान है, जो प्रोजेक्शंस हैं वो इतने अच्छे प्रोजेक्शंस हैं कि हम लोगों को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को पैसा रेज करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी ऑर्गेनिक कलेक्शन से ही हम लोग आगे बिजनेस को पूरा साल भर सस्टेन कर सकते हैं। पर हम लोग क्योंकि आगे और भी काम करना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, वेल्थ एग्रीगेटर, वेल्थ मैनेजमेंट में और ARC में, AIF में, ये सारी हम लोग बिजनेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे को पैसे की आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए हम लोग डेफिनेटली हम लोग पैसा रेस करेंगे आइदर थ्रू अ QIP और अ प्रेफ राउंड। हम लोग वेट कर रहे थे OTS का, क्योंकि OTS के होते हमारे कंपनी की वैल्यू जो है वो क्रिएट, इट हैज वैल्यू हैज गॉट क्रिएटेड, और इससे शेयर होल्डर्स को, मार्केट को हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास और स्ट्रेंथ है। एंड इसके बाद अगर हम अगर पॉजिटिव प्लान्स के लिए अगर पैसा रेज करते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स को भी दे विल आल्सो बी वेरी हैप्पी एंड सपोर्टेड। OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट जिसकी बात मैम कर रही है, तो ये जो फंड रेजिंग होनी है डॉक्टर रश्मि, क्या टाइम फ्रेम, किस क्वांटम की, या अभी बहुत इनिशियल है, ड्राइंग बोर्ड पे है? दूसरा, आपने कहा था कि 360 डिग्री कंपनी बनाने का मन, फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी बनाने का मन, तो अब ये बैग एंड बैगेज लीगेसी खत्म, तो आई एम अज्यूमिंग रेलिगेट 2.0, आजकल इसी नॉमिनक्लेचर में सब बातचीत करते हैं, तो रेलिगेट 2.0 का जो आगाज होगा, तो अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि नए नए एवेन्यूज, नए नए फाइनेंशियल सर्विसेज, नए नए बिजनेसेस में अभी कंपनी फोरे करेगी। हमारे पास जो वी हैव अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म, हमारी कंपनी का बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। हमारे पास ब्रोकिंग, सिक्योरिटीज है, हाउसिंग फाइनेंस है, NBFC है, हेल्थ इंश्योरेंस है। हम लोगों की जो ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, हम इसको कैपिटलाइज करके और इसकी जो भी सिनर्जिस्टिक रिक्वायर्ड बिजनेसेस हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेस को सपोर्ट करता है और एक न्यू प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है, इसी मैनेजमेंट को समझ करके हम लोगों ने बाकी बहुत ही सोच करके और सिनर्जिस्टिकली जिसमें हम लोगों की स्ट्रेंथ है वो बिजनेसेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये ड्रॉइंग बोर्ड पे नहीं है अभी, क्योंकि ये पिछले 3 साल से जब हम लोग कैप में थे और तब से हम लोगों ने काम शुरू किया और इसके ऊपर विचार शुरू किया, हम लोगों ने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए, मार्केट को स्टडी किया और जो डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ को समझ करके और इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ को समझ करके और जो नई रेगुलेटरी पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो IRDA से आई हों, चाहे NHB से आई हों, चाहे RBI से आई हैं, उन सबको समझ करके कि इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में रह करके हम कौन कौन से बिजनेसेस को आगे ले जा सकते हैं वो हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एंड उसके साथ हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दी है अपने बोर्ड को, और ये अभी प्रिलिमिनरी नहीं है, ये अभी एग्जीक्यूशन के मोड पे पहुंच गया है। इसी कारण से हम लोगों को अराउंड 600-700 करोड़ पैसा रेज करने की आवश्यकता है, जो कि हम अगले 2 से या 3 महीने में करने वाले हैं। उसमें तब तक हमारा कैप रिमूवल हो जाएगा और सारे के सारे बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे और कंपनी डेट फ्री है। बढ़िया, तो जैसे जैसे प्लान्स अनवेल होंगे मैम से हम लोग अब बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर रश्मि, कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू जोड़ के अपने अब ये सब डिटेल शेयर करने के लिए और आगे के प्रोस्पेक्ट्स पे बातचीत करने के लिए। आशीष महेश, नहीं आशीष महेश के पास नहीं आता, अरिहंत से रेलीगर का पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक काम करते सतपुते साहब से रेलीगर इंटरप्राइजेस की चार्ट सी चेक ले लेता हूँ। सतपुते साहब, चार्ट वार्ट्स पे क्या लग रहा है भाई? कुछ पुराना लीगेसी इशूज छटे हैं, पर आज वो मोमेंटम ऐसा नहीं हुआ, सस्टेन करा नहीं, आज गया था 170 के आसपास तक, पस्त पड़ गया है। आशीष जी, देखिए चार्टिकली अगर आप देखें, प्योरली चार्टिकली, तो मेरे हिसाब से जो न्यूज बेस्ड सेलिंग होती है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि 168-170 पे रेजिस्टेंस लिया और वहां से हैमर बन गया, दैट इज कैंडलस्टिक पे हम इसे हैमर कहते हैं,
लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज का दिन का न्यूज का ये एक आप कह सकते हैं कि मुंह मिला, लेकिन चार्टिकली कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि नया डाउनसाइड तो डेफिनेटली नहीं खुलेगा, इनफैक्ट मुझे लगता है 150 के ऊपर ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और इवेंचुअली इट शुड गो अप टू 180। तो मैं तो ये कहूंगा अगर 150 155 के रेंज में मिले तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। रैली गया आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, आशीष महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। बट मार्केट्स एट डे लो और 17609 निफ्टी अब टेस्ट करता हुआ, यानी अपने कल के लो के नज़दीक घूमता हुआ। सेकेंड सब्सिक्वेंट डे अगर आप देखें, आप उस लो को जा रहे हैं रिविजिट करने के लिए। और मतलब सेकेंड सब्सिक्वेंट शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सेकेंड डे है जब आपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को इंट्राडे में वॉलेट किया। और इस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि एग्जैक्टली जिस जोन को अब हम टच करने जा रहे हैं या फिर छू सकते हैं, एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं आपको, 17 करीब करीब 598, याद रखिएगा दैट्स लॉजिकली पैरेलल लेवल है वो, जैसे कल 603 था, 598 10-day exponential moving average है। ये expiry point of view से लेवल थोड़े से मायने रखते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष जी आपका इस वक्त का व्यू मार्केट्स पे और प्लस आपका जो कन्विक्शन ट्रेड है व्यू के मुताबिक वो क्या रहेगा? जी मेरे मन में थोड़ा सा जो ग्लोबल मार्केट्स के पे अनसर्टेनिटी